नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, हाल ही में जो समस्या आ रही थी सारा दर्पण के ऊपर, OTP मैसेज की सुविधा और पासवर्ड रीसेट करने से संबंधित, और आवेदन पत्र डिलीट करने एवं कार्मिकों को रिलीव करने की ये जो सुविधा थी, ये ईमेल आईडी पर दोबारा शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर हमको ये जानना है कि ईमेल जो आईडी है वो हम कैसे जोड़ें, और प्रपत्र 10 में ईमेल आईडी जोड़ने के कितने देर पश्चात वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो इससे संबंधित जो जानकारी है वो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि निक आईडी और स्कूल आईडी। कई साथियों को ये कन्फ्यूजन था कि ईमेल आईडी को हम अपने जो निक आईडी है NIC आईडी उससे हम जोड़ सकते हैं। तो साथियों, NIC जो आईडी है, NIC आईडी के द्वारा हम ईमेल आईडी नहीं जोड़ सकते। यदि हमको ईमेल आईडी जोड़नी है तो ईमेल आईडी जोड़ने के लिए हमको फॉरम नंबर 10, जो फॉरम नंबर 10 है अपना, उसको खोलना पड़ेगा और उसमें जो डिटेल्स हैं उनको एडिट करनी पड़ेगी और उसमें ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। तो साथियों, दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास, ईमेल आईडी डालने के और मोबाइल नंबर डालने के। तो यदि किसी कारणवश मोबाइल नंबर के ऊपर जो सुविधा है, मैसेज सुविधा, OTP सुविधा, वो बंद हो जाती है, तो हम ईमेल से OTP प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ईमेल आईडी कैसे जोड़ें, तो ईमेल आईडी जोड़ने के लिए यदि हम PO स्कूल के कर्मचारी हैं तो सीधा PO लॉगिन खोल लेंगे, और यदि अधीनस्थ कर्मचारी हैं तो संबंधित PO से अपना प्रपत्र जो 10 है उसको अनलॉक करवाने की रिक्वेस्ट करेंगे। जब वहाँ से प्रपत्र 10 अनलॉक हो जाएगा तो उसमें हम ईमेल आईडी अपनी जोड़ सकते हैं। ध्यान हमको ये रखना है कि जैसे ही हम ईमेल आईडी जोड़ देते हैं तो उसके एक घंटे बाद में मेल आने शुरू हो जाते हैं, मतलब उसका जो अपडेशन है वो एक घंटे बाद में शुरू हो जाता है। कई साथियों की एक क्वेरी थी कि यदि मैसेज सेवा बंद हो जाए तो क्या ईमेल पर OTP आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यदि ट्राई जो है, दूरसंचार विभाग ट्राई मैसेज सेवा यदि बंद कर देता है तो ईमेल के ऊपर अपना OTP आ सकता है, और OTP से संबंधित जो कार्य हैं वो हम मेल से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये कार्य स्थानांतरण अभी चालू हैं तो इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो ये ईमेल आईडी तुरंत फॉरम नंबर 10 में जोड़ें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की सुविधा जो है वो रेगुलर मिलती रहे। जैसे पासवर्ड को रीसेट करना है, आवेदन पत्र को डिलीट करना है, ये सारी की सारी सुविधा आप इससे उठा सकते हो। यदि इससे संबंधित किसी और वीडियो की आवश्यकता हो या और भी कोई जानकारी की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।